हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, खुशखबरी मैं आप लोगों के क्या लाया हूँ ये आपको बता देता हूँ कि अभी हम काफ़ी दिनों से डिजी पे को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे को बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। जब डिजी पे 7 पॉइंट वर्जन आया है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी खुशखबरी यह है कि अभी डिजी पे को अपडेट कर दिया गया है और डिजी पे वर्जन 7.2 आ चुका है और बिल्कुल लाइव हो चुका है। और उसके अंदर जो टाइम आउट की प्रॉब्लम थी, जो आयरस नहीं चलने की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि आपको कंप्लीट इंस्टॉल करके डीजीपे को बताना है कि आप हमें डीजीपे को कंप्लीट इंस्टॉल करके बताइए। वैसे इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। हमने काफ़ी बार वीडियो के अंदर बता दिया है कि डीजीपे को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है। तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, सेम वही तरीका है। उस हिसाब से आप डीजीपे को अनइंस्टॉल करेंगे और उस हिसाब से आप डीजीपे को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको यही बताना था कि डीजीपे अभी अपडेट कर दिया गया है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डीजीपे के अंदर आयरस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, और उसके अंदर एक टाइम आउट का एरर आ रहा था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने डीजीपे को अपडेट कर लिया है और 7.2 वर्जन को इंस्टॉल भी कर लिया है, और उसके अंदर जो पेमेंट था उसको भी हमने पे आउट भी कर लिया है। जो हमने 8:30 बजे पे आउट किया है, बहुत ही आसानी से पे आउट भी हो चुका है, और उसके अंदर बैलेंस इंक्वायरी भी हो रही है, विड्रॉल भी हो रहा है। लेकिन बैलेंस इंक्वायरी और विड्रॉल के अंदर थोड़ा टाइम है, वो ज़्यादा ले रहा है अभी भी डीजीपे। तो अभी भी ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है या नहीं होती आती है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले डीजीपे 7.0 वर्जन था, तो उसके अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से और डीजीपे वर्क कर रहा था, उसके अंदर फास्ट तरीके से बैलेंस इंक्वायरी हो जाती थी और बहुत ही फास्ट है विड्रॉल हो जाता था। तो आप लोगों को भी ये समस्या है या नहीं है, आप हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर मिला है कि डीजीपे 7.2 वर्जन अपडेट हो चुका है और डीजीपे 7.2 वर्जन है, ये डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आपको डीजीपे 7.2 वर्जन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।